गमछा पुरवैया के लिए महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि कंधे पे जमा बर्फ की वो जिम्मेदारी है जिसे कि वो पूरा करने के लिए गांव से शहर की तरफ आता है। उस बाप की उम्मीद है, अपने आप की उम्मीद है, उस गांव की उम्मीद है, जिसे पूरा करने के लिए शहर निकलता है। गमछा उस माँ का आशीर्वाद है जो कि जब वो गांव से शहर निकलता है तो उसमें बांध के देती है। गमछा फैशन के दौर में अर्धनग्न हो चुकी भारत को ढकने की एक जिम्मेदारी है। बता दूं आपको, गमछा जो है प्लास्टिक मुक्त भारत में भी अपना योगदान दे रहा है। हम बिहारी इस गमछे को झोले की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। वीडियो के मेन टॉपिक पे, वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि कवि निलोत्पल मिलाल जो कि पूर्बिया से आते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, वो कनाट प्लेस के क्यूबीए रेस्टोरेंट में 12 नवंबर को रात को गए थे। उनको वहाँ पे इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उनके कंधे पे गमछा था। आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति के वेशभूषा को लेकर उनका अपमान करना न सिर्फ किसी व्यक्ति या संस्कृति का अपमान है बल्कि यह एक कानूनी अपराध भी है। तो होना क्या था, वही हुआ। कवि निलोत्पल मिलाल वही गमछा बिछा के बैठ गए और फिर उनके सपोर्ट में ट्विटर पे कई सारे हैशटैग चलने लगे। #IAMWithMrunal, #गमछा, #गमछा आंदोलन। तो मैं इस वीडियो में उन रेस्टोरेंट के मालिक से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये या फिर वो रिक्वेस्ट समझे या फिर चेतावनी समझे, अब वो सोशली उनसे माफी मांग ले बढ़िया रहेगा, नहीं तो हम भी गमछा लेके पहुंच जाएंगे। क्योंकि कुमार विश्वास ने भी कहा है कि अगर इस मामले पे सार्वजनिक तौर पे अगर माफी नहीं मांगी जाती इस रेस्टोरेंट से तो काफी कवियों की मंडली भी वहाँ आ रही, हम भी वहीं चलेंगे, हम भी अपना उनके वीडियो वगैरह बनाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में